बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ भी हों खैरियत से हों। खलीज टाइम की तरफ से एक और न्यूज़ शाया की गई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुलाजमत के कवानीन से आगाही हासिल कीजिए, आपके पास ये ऑप्शन भी है। अदालती फैसले के बावजूद मेरा अरबाब मुझे बकायजात नहीं देता, अदालती फैसले पर अमल दरामद कैसे किया जाए? अदालती फैसले के बावजूद मेरा अरबाब मुझे बकायजात नहीं देता। अगर अदालत किसी मुलाजिम के हक में फैसला सुना दे तो अरबाब अदालती फैसले पर अमल सुना करें तो उसमें मुलाजिम को क्या करना चाहिए? जानिए मुकम्मल तफसीलात इस रिपोर्ट में। दुबई खलीज उर्दू पॉइंट के मुताबिक अगर अदालत किसी मुलाजिम के हक में फैसला दे तो अरबाब अदालती फैसले पर अमल ना करे तो उसे मुलाजिम को क्या करना चाहिए? मतदा अरब अमराज में मुलाजमत का सेक्टर वजारत इंसानी वसाइल और अमरटाइजेशन के ज़ेर इंतज़ाम काम करता है जो मुलाजिम और अरबाब के दरमियान तनाज़ात को हल करता है। गुल्फ न्यूज़ के एक कारी ने बताया कि इसका सबका अरबाब अदालती फैसले के बावजूद इसके बकायजात नहीं दे रहा। 2007 से 2019 तक 11 साल मैंने इस अरबाब के साथ काम किया। कंपनी ने सबका साल मेरे बकायजात क्लियर के बगैर मुझे मुलाजमत से निकाला। मुलाजमत ख़त्म होने के बाद एक महीने की तनख्वाह समेत दीगर मराद भी नहीं दिए गए। अदालत में किसी दायरा करने के केस दायर करने के बाद फैसले में हक में आया, लेकिन अभी तक कंपनी ने मेरा बकायजात अदा नहीं किया। ऐसी सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? गल्फ न्यूज़ ने अल सऊदी एंड कंपनी अल सऊदी एंड कंपनी के कवानीन और अमूर के मायर जाहिनी अरफोई ने सलाह दी है कि अदालती फैसले के फौरी बाद अमल दारे के लिए फैसले की दरख्वास्त दी जानी चाहिए थी। अदालत फैसले के 30 दिन बाद फैसले पर अमल दरामद के लिए अनलाइन दरख्वास्त दे अमलदारी के फैसले के लिए दरख्वास्त के साथ ज़रूरी दस्तावेज़ भी तैयार करनी होंगी, जिसे एक खत जिसमें बकायजात और मुलाजमत ख़त्म होने के हवाले से तफसीलात दर्ज हों। ये सब अदालती फैसले के मुताबिक करना ज़रूरी है और इसमें मुतहदा अरब अमारात के कवानीन का ख्याल भी रखना है। इस सूरत में जब कंपनी ये वजह बताए कि इनके पास दस्तियाब फंड की कमी है, आप दरख्वास्त में कंपनी के असासजात पर आप कंपनी के असासजात काबिज़ के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। जैनी और फाई के मुताबिक मुलाजिम और कंपनी के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए लेबर कोर्ट मौजूद है, तहम अगर दोनों फरीकैन किसी हल पर ना पहुँच सकें तो इसके लिए वजारत इंसानी वसाइल और एमरटाइजेशन के पास शिकायत दर्ज की जा सकती है, लेकिन इसके लिए शिकायत मुलाजिम को मायदा ख़त्म उनके एक साल के अंदर दर्ज कराना लाजमी है। बसूरत दीगर शिकायत पर अमल नहीं हो पाएगा। याद रहे कि लेबर कोर्ट में दरख्वास्त के लिए 1,00,000 दिरहम तक की रकम के लिए कोई फीस दरकार नहीं होती। इस वीडियो को हमने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने आपको पहले बता चुके हैं कि आप लेबर कोर्ट में रिप्लाई करें, उसमें इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। तब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए शादी वाले यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। याद दीजिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।